वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। दोस्तों हरियाणा राज्य के खूबसूरत शहर सोनीपत के अंदर 12 एकड़ में स्टार्ट हुआ सन 2018 के अंदर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। हालांकि यूनिवर्सिटी को 2016 के आसपास स्टार्ट किया गया था। ऑफिशियली सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हुए यूजीसी के टिल 2018। कोर्सेज की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली डिजाइनिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, बीबीए, बीएफए, एमडीएस, यूजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एंड लॉट ऑफ कोर्सेज आप यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिजाइनिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क्स एक्सेप्ट करती है, जिसके अंदर एनआईएफटी को सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है। इसके साथ ही बहुत सारी प्राइवेट बॉडीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज आर्किटेक्चर के एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होता है जेईई मेन, वैसे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस अपने लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपने लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। वैसे ही आर्किटेक्चर के लिए अलग एग्जाम होता है, वैसे नीट के लिए अलग होता है, यानी कि बायोलॉजी के लिए, वैसे फार्मेसी के लिए अलग एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग एग्जाम होता है। इस प्रकार से अलग अलग एग्जामिनेशन हर फील्ड के लिए लगते रहते हैं। अब अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, यूनिवर्सिटी का कैंपस 12 एकड़ के अंदर है, जो कि बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, बहुत छोटा सा कॉलेज स्टार्ट हुआ है बहुत नए नए सपनों के साथ आसमान में उड़ाया भरने के लिए। डिजाइनिंग जैसे कोर्सेस ये ऑफर करता है बच्चों को। दोस्तों यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स की अगर बात की जाए, तो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि यूनिवर्सिटी के पास में यूजीसी का अप्रूवल है। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, हमने टेलीफोनिक कंजर्वेशन के द्वारा पता किया कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कंफर्मेशन यूजीसी है। हालांकि आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ऑफिशियली कंफर्म्ड है भी कि नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़े अपन फैकल्टी के बारे में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वे इन द डिजाइन इंडस्ट्री, बिकॉज इसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। वरना पता चलता है कि भैया हम तो एरोप्लेन बना रहे थे और बन गया कहीं रेल की पटरी, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिरकार एक्सपीरियंस है कि नहीं फैकल्टी को। हालांकि अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इनकी फैकल्टी की अगर बात की जाए तो हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग फैकल्टी इज रियली ऑसम, एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरेज फैकल्टी एक्सपीरियंस इज 4 to 5 years एंड बहुत सारी फैकल्टी को 10 साल 12 साल का भी एक्सपीरियंस है। बहुत सारी फैकल्टी ने अपनी प्रोफाइल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट जैसे बहुत सारे अवार्ड शो कर रखे हैं। इसके साथ ही एनआईटी जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर, इसके साथ ही जो है यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट लेक्चरर्स की लेक्चरर्स की लिस्ट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जो कि यूनिवर्सिटी को एक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव बनाता है। बात की जाए तो यूनिवर्सिटी का यह कहना है कि हमने हमारा पहला बैच जो है वो कंप्लीट किया था 2021 के अंदर। हालांकि बहुत सारे कोर्सेज 3 साल के होते हैं, अगर 2018 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ है तो 2021 के अंदर उनका हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट एक बैच, ठीक है। अभी 2024 में उनका बहुत सारे बैच अब लगातार निकलते जा रहे हैं, क्या ही बता रहा मैं आपको। उसके बाद यार अगर आगे बढ़े प्लेसमेंट सेशन की, तो डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर प्लेसमेंट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन यूनिवर्सिटी लगता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसको आप सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस लेना, ठीक है। तो यार सोनीपत के अंदर ये कॉलेज सिचुएटेड है और इस कॉलेज के अंदर आपको कैंपसेस की अगर बात की जाए, कैंपस काफ़ी ठीक ठाक दिखता है। हालांकि कैंपस काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कैंपस के अंदर आपको अटैच्ड हॉस्टल बिल्डिंग मिल जाती है, हॉस्टल के अंदर आपको खाना भी मिलता है, मेस भी अवेलेबल है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी का ये भी दावा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिम भी अवेलेबल है। जिम के साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं।
हालांकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है कि यूनिवर्सिटी को बच्चों को वाईफाई जोन भी देना चाहिए, प्रैक्टिकल्स, लैब्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट सेल्स भी बनाया गया है जो कि बच्चों की काफी ज्यादा हेल्प करती है टू प्रोवाइड प्लेसमेंट, एंड ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के अंदर ही यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है कि वो जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड करने लगते हैं। आपका क्या कहना है यूनिवर्सिटी के बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर बच्चों के कुछ फीडबैक की बात की जाए तो नॉर्मल फीडबैक है स्टूडेंट्स का, हालांकि अभी तक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लोकल एंड कुछ कुछ स्टेट से ही बाहर के बच्चे हैं, बाहर के उतने ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब ये देखने को मिलता है कि जब हम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से कॉन्टैक्ट करते हैं, एडमिशन कोऑर्डिनेटर से, तो उनको अभी तक ये पता ही नहीं रहता है कि आखिरकार वो एडमिशन किस किस चैनल्स के थ्रू ले रहे हैं। हालांकि हम ये वीडियो बना रहे हैं बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज रजिस्टर्ड इन द CUET 2022 एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी गेस्ट रूम, जिसके अंदर ये जो है जो भी बच्चे इसको सेलेक्ट करते हैं CUET की वेबसाइट पे टू गेट द एडमिशन द डिजाइन कॉलेज, तो ये उसका एक पार्ट है। इसलिए हमने ये समझा कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। हालांकि अभी तक इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये एक बहुत नया यूनिवर्सिटी है, लेकिन आशा की जा सकती है कि भविष्य के अंदर एक छोटा सा फूल बहुत अच्छे कमल की तरह खिल जाए और बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुनहरा भविष्य बनाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे डेटा प्रोवाइड किया, एंड यूनिवर्सिटी को भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी लगातार मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाए। प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए, प्लेसमेंट्स इज ऑलमोस्ट वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिला है, एवरेज प्लेसमेंट आपको 2 से 3 LPA को मिल जाता है। हालांकि नया यूनिवर्सिटी है, इस एज के अंदर भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने, वाइस चांसलर सर ने और यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने बच्चों की इतनी ज़्यादा मदद की। हालांकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इनका एक कर्तव्य भी बनता है कि बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाएं और अपने यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा नाम बनाएं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल होते हैं कि आखिरकार क्या हमको डिजाइनिंग कोर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि AI बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आखिरकार वर्चुअल रियलिटी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डिजाइनिंग कंप्लीट कर सकता है, बहुत सारे AI डेवलपर जो है उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसके अंदर डिजाइनिंग जो करते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, उनकी जो डिजाइन है उनको रिप्लेस कर दिया है AI ने, तो क्या डिजाइन वालों की जॉब खतरे के अंदर है? क्या डिजाइनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका क्या डिसीजन है? और आपको ऐसा बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा होगा कि भैया AI जब आ रहा है, AI ने बहुत सारे जॉब्स भी खा चुका है, पहले लोग हाथों से काम किया करते थे, वो अब ऑटोमेशन हो चुका है, तो अब हम करें क्या? आखिरकार हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम जो कोर्स करें उसका सटीक वे हम ही कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि जो हम भी कर रहे हैं वो AI भी कर रहा है, जो हम बना रहे हैं वो मशीनें भी बना रही है, तो आखिरकार मशीनें हमसे ज़्यादा इफिशेंसी से काम करेगी तो हमें कोई नहीं रखेगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो आपके भी ऐसे अगर सवाल है तो आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो क्या सकता है, आखिर आपको करना क्या चाहिए, आखिरकार क्या आपका फ्यूचर है किस कोर्स में और आपको किस कोर्स में जाना चाहिए और व्हाट इज द रियलिटी फ्यूचर और आप क्या उसमें उखाड़ सकते हैं। 0 to last तक हम आपको दिखाते हैं पूरा मिरर पे, तो जरूर से आप हमारी टीम से कंसल्ट कीजिए। इसके साथ ही आप भी अगर लेना चाहते हैं बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन जो कि आपके अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत कम है, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें डेफिनेटली हमें ईमेल करके बता सकते हैं, हमारे लिए कोई भी सजेशन हो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।